हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम ओसी के सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कवर अप करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है क्या प्लानिंग। आपको इसको जस्टिफाई करना है कि प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आपको इसको इस बात पर आपको मुहर लगानी है, स्टैंप लगाना है इसको। तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये फर्स्ट फंक्शन है, तो आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों फर्स्ट फंक्शन है करके। तो यहाँ पर आंसर 1, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम। ये क्या है, तो ये डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में होने वाली जो एक्टिविटीज है, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब फ्यूचर एक्टिविटीज जो है, काम का जो है, उसका डिटेल्ड प्रोग्राम है ये प्लानिंग। प्लानिंग फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का हर एक फंक्शन है वो किस पे बेस्ड होता है, प्लानिंग पे, क्योंकि ये बेस है उसका, फाउंडेशन है। प्लानिंग क्या है, फाउंडेशन है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, फाउंडेशन। नींव, हम जैसे शुरुआती नींव रखते हैं बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, उसी तरीके से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कवर अप करने के लिए सबसे पहले है ना प्लानिंग की जाती है। डिटेल प्रोग्राम है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, तो यहाँ पर प्लानिंग बेस्ड है। देन इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस, मतलब आपको जो काम काज, जो कार्य, जो वर्क करना है, कंप्लीट करके लेना है फ्यूचर टर्म्स में, मतलब फ्यूचर के हिसाब से कि कौन कौन से काम आपको करने, तो उसका एडवांस में हम प्लानिंग कर लेते हैं, उसको एडवांस में हम डिसाइड कर लेते हैं। वेल प्री डिटरमाइंड डिसीजन होता है प्लानिंग, प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड। देन इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और क्या, ये फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल क्या है, एंड डेवलप्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, और उसी के अकॉर्डिंग से है ना पूरा लिस्ट तैयार करता है काम का, कोर्स ऑफ एक्शन का, कि कौन कौन से फंक्शंस कवर अप करने, मतलब क्या क्या वर्क वर्क हैज टू विच वर्क हैज टू बी डन करके। तो यहाँ पे देन अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक है ना प्लान नहीं रेडी है, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन। तो जब तक प्लानिंग रेडी नहीं होगी, जब तक अनलेस द प्लान इज नॉट रेडी, इट इज नॉट रेडी, अनलेस द प्लान इज रेडी मतलब जब तक प्लान नहीं तैयार होगा, तो अदर जो मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन, ये भी हम अंडरटेक नहीं कर सकते, मतलब इनको भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो प्लानिंग तो बेस हो गया सब एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर फिर हम लास्ट में अपना आंसर एंड करेंगे हैंस, नहीं तो आप 10 लिख के भी आंसर को एंड कर सकते हो। 10 प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आपको कवर अप करना होगा। नाउ कमिंग टू द, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, सेकेंड यहां पर है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे एंड में होता है। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने ना एमसीक्यूज में भी हमने किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी हमने इसको किया है कि जो कंट्रोलिंग है वो लास्ट फंक्शन है एंड प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है। तो अब आपको इसको जस्टिफाई करना है, आपको इसे सही ठहराना है कि ये लास्ट फंक्शन है, तो सही कौन से बेसिस पे ठहरा सकते हैं इसके बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग, ये क्या है, तो पहले आपको का मीनिंग लिखना है। तो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एडवांस में डिसीजन लिए हुए, डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से, जो स्टार्टिंग में जब प्लानिंग बनती है उस टाइम पे डिसीजन लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तैयार किया जाता है प्री डिटरमाइंड उसके हिसाब से, और जो एक्चुअल में जो हुआ उन दोनों को कंपेयर करना। तो यहाँ पे इट मेजर्स, ये क्या करता है, डेविएशन मतलब चेंजेस, डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। मेजर करना मतलब कैलकुलेट करना, एक तरीके से फाइंड आउट करना, कंपेयर करना। तो इट मेजर्स डेविएशन इफ एनी, अगर कोई चेंजेस है, कोई डिफरेंसेस अराइज होते हैं, मतलब डिफरेंसेस किस में, तो डिफरेंसेस
predetermined standard performance में and actual performance में जो difference arise होते हैं उनको identify करता है, identifies the cause of deviation, फिर उसके उसमें जो किस कारण से cause मतलब कारण reason, किस reason के वजह से है ना वो deviations, वो differences आए हैं वो identify करना and suggest corrective measures, और फिर उसको सही करने के लिए, उसे improve करने के लिए कौन से corrective measures लिए जा सकते हैं, मतलब कौन सा corrective action लिया जा सकता है करेक्ट करने के लिए उसे, और वो सजेस्ट करना कंट्रोलिंग के अंडर में होता है. देन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान आल्सो. ये जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो फ्यूचर प्लान को फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है. एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर का जो फंक्शंस है, स्टार्ट विद प्लानिंग, स्टार्ट तो प्लानिंग के साथ होता है लेकिन वो एंड किसके साथ होता है, इट एंड्स विद, एंड विद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के साथ एंड होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हैंस दस कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, या इसके लास्ट की जगह पे आपको ई एंड डी एंड वर्ड भी आ सकता है, एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. तो इस तरीके से आपको फिर आपका आंसर प्रेजेंट करना होगा. मूविंग टू द थर्ड वन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का को. तो यहाँ पे आंसर थ्री, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने में इट लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को ग्रुपिज्म करने के लिए मतलब उसको कैटेगराइज करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में और कैटेगराइज करने का काम है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ऑर्गेनाइजिंग का काम है वो. तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू, ये लीड करता है किसको, टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज. देन ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसका काम होता है, ग्रुपिंग करना और असाइन करना एक्टिविटीज, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का, इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेड डिपार्टमेंट का होता है. मैन वेयर एज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू, और जबकि है ना इसको अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से प्रोसेस करने का काम, टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी, ये किसका होता है, लोअर लेवल पे आ जाता है जहां पे ऑपरेशनल एक्टिविटी को हम प्रोसेस करते हैं. सो दस ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की आप एडमिनिस्ट्रेशन, इट हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन और उसी के साथ साथ जो उसको रियल में एक्टिविटीज को कंप्लीट करके लेते हैं एम्प्लॉयज जो लोअर लेवल पे है, सुपरवाइजर लेवल पे है, तो वो सब के लिए भी ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हेल्पफुल है. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ इसमें आते हैं तो राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, पे मतलब सैलरी, ओके, राइट पर्सन मतलब सही एम्प्लॉई एट राइट जॉब मतलब सही ओहदे पर विथ राइट पे मतलब सही सैलरी के साथ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. ये बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का. सो आंसर फोर, स्टाफिंग इज द प्रोसेस अट्रैक्टिंग, ये क्या है, प्रोसेस अट्रैक्टिंग रिक्रूटिंग, ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये अट्रैक्ट करने का एम्प्लॉयज को, रिक्रूट करने का, उन्हें अपॉइंट करना, सिलेक्शन करना उनका, प्लेसिंग उनको, उनका ओहदा मतलब उनकी उनकी पोजिशन उनको बताना, अप्रेजिंग उसको, उन्हें अप्रिशिएट करना, रेम्यूनरेटिंग सैलरी प्रोवाइड करना, सैलरी वेजेस, डेवलपिंग उनमें डेवलपमेंट करना थ्रू डेवलपिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल, एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, और जो बेस्ट वर्कफोर्स है उनको बनाए रखना, उनको मतलब उन्हें है ना इंसेंटिव वगैरह देते हुए, प्रमोशन वगैरह देते हुए उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाए रखना. तो ये है स्टाफिंग का मतलब, मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. देन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का प्रॉपर सिलेक्शन दैट इज राइट पर्सन लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पर लीड करता है, तो टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, सक्सेस के रास्ते पर वो लीड करता है मतलब सक्सेस की ओर पहुंचाता है. क्योंकि अगर सही बंदा सही जॉब पे होगा तो ही काम ढंग से कर पाएगा ना, जब वो स्किल्ड जो जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, वो जिस फील्ड में स्किल्ड है उसे उसी फील्ड में अगर हम अपॉइंट करते हैं तो ही है ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, राइट. तो यहाँ पे स्टाफिंग एंश्योर, तो ये काम किसका है, स्टाफिंग का, स्टाफिंग एंश्योर करता है दैट द एम्प्लॉय इज प्लेस्ड इन द राइट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय को राइट डिपार्टमेंट में हम पोजिशन दें, उधर वहां पे डेजिग्नेशन उसको डिजाइन कर डेजिग्नेशन दें एज पर द स्किल्स एंड एबिलिटीज, जिस तरीके की उसकी स्किल्स है और उसकी कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, उसके हिसाब से तो राइट जॉब पर उसको रखा जाए, मतलब राइट बंदा एट राइट जॉब.
तो ये जो पॉइंट है ये डिस्क्राइब करता है राइट जॉब को, सही काम को, राइट जॉब. देन थर्ड पॉइंट में हम राइट पे मतलब सैलरी. तो यहाँ पे स्टाफिंग इन्वॉल्व टू प्रोवाइड, स्टाफिंग में और क्या डिसाइड होता है, एडेक्वेट रेम्यूनरेशन, सही रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने का, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब राइट पे फॉर इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ताकि उससे ना बंदे को जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है वो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, वो अपनी जॉब से खुश रहे, एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मोरल मतलब उसको जो काम करने की उसकी एफिशिएंसी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो उसका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बनी रहे, वो उसके अकॉर्डिंगली फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो बंदा अपना बेस्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते रहे. तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, लास्ट में फिर आप अपना आंसर कंक्लूड करोगे हेंस, नहीं तो दस के साथ हेंस या फिर दस. राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज द प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. ये बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे. तो इस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना होगा. मूविंग टू द फिफ्थ वन, यहाँ पर फिफ्थ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग कार्यों के बीच में वर्क है उनके बीच में है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सारे के सारे जो लेवल्स है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की लेसेंस मतलब उनकी एक तरीके से उनके लिए ये खुशबू की तरह काम करते हैं, लाइक इट बिकम्स इट लीड्स टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या लीड करता है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग लेवल, जो टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल है, उन सबके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, जो इंटीग्रेशन है, वो है ना सक्सेस को लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लीड करता है. नाउ आंसर 5, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बताओगे पहले. तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप. ये क्या है, इंटीग्रेशन है, एंड सिंक्रोनाइजेशन मतलब समावेश करना, सारे बहुत सारे जो वेरियस एक्टिविटीज है उनको कंबाइनली एक साथ लाकर और ग्रुप में लाकर उनको काम में लेना. सो एज प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे कि है ना ऑटोमेटिकली यूनिटी मतलब है ना आपके काम में जो कार्य है, फंक्शन, उसमें यूनिटी दिखाई देगी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप सो एज प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले इट इज एन इंटीग्रेशन, मीनिंग के बाद में इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, एक साथ लाना मतलब, विच इज मिला देना उनको, कंबाइन उनका मिक्सचर कर देना, एक तरीके से कंबाइन कर देना, कंपाइल कर देना, विच इज एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो. स्मूथ फ्लो के लिए बहुत जरूरी है. यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए नहीं सोचना है. सो इट एस्टैब्लिशेस, तो ये क्या करता है, ये सेटअप करता है, ये एस्टैब्लिश करता है हार्मनी, हार्मनी एस्टैब्लिश करता है अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज के बीच में हार्मनी एस्टैब्लिश करता है, जिससे क्या होता है, इन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स. तो जो सेटअप, जो गोल रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने अपना, उस डिजायर्ड गोल को वो अचीव कर सकते हैं. ये सब जब आप इंटीग्रेट करते हैं एक्टिविटीज को, तो इट बिकम्स इजियर, स्मूथ फ्लो होता है फिर एक्टिविटीज का. देन इट ऑल्सो बाइंड ऑल अदर फंक्शन, बाइंड मतलब जोड़ देना, मतलब बाइंडिंग कर देना. हम जैसे बाइंडिंग करवाते हैं नोटबुक्स की, टेक्स्ट बुक्स की, बाइंडिंग पेजेस को बाइंड अप करते हैं, एक साथ बांध देते हैं तो धागे में, जैसे इसी तरीके से है ना ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन भी है ना बाइंड अप हो जाते हैं एक साथ. सो इट ऑल्सो बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टूगेदर एंड दस, इसीलिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सारे के सारे जो मैनेजमेंट के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. तो वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए एसेंस है वो, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के मेन ये
यहाँ पर वो यही लीड करते हैं, खुशबू की तरह उनसे जुड़े होते हैं, तो एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो इस तरीके से आपको आपका ये आंसर लिखना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया। हम अटेंड द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 का एक इसमें एक क्वेश्चन मैं कंपाइल कर देती हूँ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है? तो प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। आपको छोटे से इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करना है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स इन टू बी डन इन एडवांस। क्या इंक्लूड करता है, किसका समावेश होता है इनमें? तो काम को एडवांस में है ना हम प्लान आउट करके रखते हैं, डिसाइड करके रखते हैं जो फ्यूचर में करने वाले हैं टास्क उसको। सो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो ये दिमागी खेल है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ऑफ लॉजिकल थिंकिंग का एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। और इसकी प्लानिंग अगर हम करते हैं और फिर हम इंटेलेक्चुअली उसको सोच विचार करके करते हैं तो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लिया जाता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग में भी हमें हेल्प करता है। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स टोनर का क्या कहना है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। ये क्या है? प्रोसेस है गोल्स को एस्टैब्लिश करने का एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल्स। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है। नाउ importance of the planning can be explained with the help of the following points। नीचे दिए points के हिसाब से हम explain कर सकते हैं। इससे पहले हम 5 points पढ़ चुके हैं, अब हम सारे के सारे जो इसके points 10 points है वो हम इसमें cover up करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो point है आपको in short लिखना है। अगर 10 मार्क्स के लिए आता है तो ऑब्वियसली आप सारे के सारे 10 पॉइंट्स है ना क्विकली आप एक्सप्लेन कर दोगे। कोई बहुत लेंदी है तो थोड़ा शॉर्ट में, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है फिर। तो यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हेल्प करता है। तो प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। प्लान को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने का, टारगेट सेट करने का, इससे रिलेटेड है प्लानिंग। एंड इट हेल्प्स द मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैनेजर को हेल्प करता है कि आज की कंडीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे खड़ा है, वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड। एंड ऑन दैट बेसिस, और फिर उसी बेसिस के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है द वेज ऑफ अटेनिंग, अलग अलग रस्ते जो डिजायर्ड पोजिशन फ्यूचर में चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, जो गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए, तो उसे कैसे हम अटेन कर सके उसको आइडेंटिफाई, उनके रस्ते ढूंढने का काम करता है प्लानिंग। देन सेकेंड इज वॉट, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली और स्टेटेड क्लियरली सेट। यहाँ पे जो प्लानिंग है ना उसकी वजह से क्लियरली मेंशन्ड होते हैं गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियरली सेटअप रहते हैं। दे एक्ट एज अ गाइड, वो गाइड की तरह काम करते हैं, डाइजेस्ट की तरह काम करते हैं। एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम्स विथ राइट वे। तो सही काम सही समय पर और सही जगह सही तरीके से हो उसको भी वो क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, और उन्हें क्या वो है ना गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नाउ थर्ड वन, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज के जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम भी करता है बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। एस्टैब्लिश करते हुए ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स को एस्टैब्लिश करते हुए सेट करते हुए एंड उसके लिए है ना सिलेक्ट करना कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्लानिंग जो वर्कआउट करेंगे जिस काम के लिए कि कौन से एक्शन कौन से वर्क कंप्लीट होने चाहिए, तो उन्हें भी सिलेक्ट करने का काम प्लानिंग यहाँ पे मैनेजर को हेल्प करता है। इट हेल्प्स मैनेजर। नाउ इट इज बेनिफिशियल कि कौन सा काम कब ले, मतलब कब सिले जो कोर्स ऑफ एक्शन जो प्लानिंग बनाई हुई है उसमें से कौन सा काम कब पहले कंप्लीट करें। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल है। देन प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट
वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की भी एफिशिएंट वर्किंग को भी मतलब उनकी कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है प्लानिंग. एंड ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग होती है. हम बोलते हैं ना गुड प्लानिंग मीन्स हाफ डन, बेटर प्लानिंग मीन्स हाफ डन. तो ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस, टाइम समय सीमा के हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से वो फिर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं. एंड दिस इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, और ये है ना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाता है, रिजल्ट्स इन टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हायर प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन लाता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाता है. देन मिनिमाइजेज द रिस्क. तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस सम रिस्क, सम ऑफ दी अदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क तो रहती है, मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, राइट. सो प्लानिंग एनेबल्स, प्लानिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू फेस सर्टेन रिस्क, कुछ रिस्क जो अनसर्टेन रिस्क को फेस करने में हेल्प करता है. क्योंकि हम लोग वेल प्लान रहते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हम, इलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हमको फेस करने की ताकत मिल जाती है. इट कैन नॉट एलिमिनेट, मतलब हटाए नहीं जा सकते देम, बट कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, लेकिन फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड मेक प्रोविजन फॉर देम, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, आरडीडी का, कि प्रोविजन इज मेड फॉर द आरडीडी, राइट. तो मतलब है ना वो एक्सपेक्टेड कि हाँ हर बार है ना 10% जो डिटेल्स का अमाउंट उसमें से 10% है ना कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो आरडीडी करके हमने प्रोविजन कर लिया. तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हमको प्लानिंग के वजह से हम वेल प्लान्ड रहते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम फेस करने में भी वेल प्लान्ड रहते हैं. तो प्लानिंग सीक्स टू मिनिमाइज रिस्क, रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, वाइल टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो जब तक कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो ग्रैब कर लेता है गुड बिजनेसमैन क्विकली. सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स. तो ये है ना आइडेंटिफाई करने में थ्रेट्स, आपके कहाँ से आपको खतरा है एंड कौन से अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है, उन्हें ग्रैब करने में भी हेल्प हो जाती है. तो आइडेंटिफाई करने में थ्रेड्स को एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में भी प्लानिंग की वजह से हेल्प हो जाती है. नाउ हेल्प्स एंड डिसीजन मेकिंग. तो देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब फॉर अचीविंग गोल्स प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में हेल्प करता है बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स, कि कौन कौन से पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, क्या करने से क्या, मतलब कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने से कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, कितना नेगेटिव आउटकम मिल रहा है, आउटकम मतलब रिजल्ट. तो ये हर एक है ना अल्टरनेटिव को कंपेयर करके और फिर जो बेस्ट लगता है ऑप्शन वो फिर हेल्प वो एक्शन वो बेस्ट ऑप्शन यूज करता है फिर फर्म ऑर्गेनाइज. So decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goals. जो predetermined goals है, predefined goals है, जो well in advance objectives है, goals है, जो decide करके रखे हैं, उनको फिर achieve करने में help मिलती है. So it helps the manager to take rational decision. तो planning है ना वो rational decision लेने में manager को help करता है. Now sixth one is what? Planning leads to optimum utilization of resources. So organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources. कौन कौन से resources available है, available जो है बिजनेस में उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग हो जाता होती है. तो यहाँ पे जो जो resources available है उसके हिसाब से फिर resources के हिसाब से proper एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्टिविटीज, सारे अदर एक्टिविटीज़ है उनके लिए प्रॉपर एलोकेशन भी किया जाता है रिसोर्सेज का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी, मतलब ऑप्टिमम मतलब आप रिसोर्सेज को यूज़ करो, उनका बेस्ट यूज़ करो, लेकिन वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना है. सो विच ब्रिंग्स हायर एफिशिएंसी, जिसकी वजह से हायर एफिशिएंसी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है एंड बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग. तो हम इन शॉर्ट सिंपल में हम बोल सकते हैं कि वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो. नाउ सेवेंथ वन, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इन्वॉल्व क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो यहाँ स्टैंडर्ड मतलब प्रीडिटरमाइंड जो हमने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो. तो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द
स्टैंडर्ड्स फॉर द परफॉर्मेंस, तो प्लानिंग के अंडर में ही स्टैंडर्ड्स डिसाइड होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस. सो इट एनेबल्स, तो ये है ना मैनेजर को हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द डेविएशन. डेविएशन मतलब उसमें जो डिफरेंस अराइज होता है, जो फर्क दिखाई देता है, चेंजेस जो दिखाई देता है इफ एनी, तो वो फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है इन केस ऑफ सच डेविएशन. तो फिर अगर कोई डेविएशन अराइज हो रहा है तो कंट्रोलिंग स्टेप्स कैन बी टेकन. तो फिर हम उसे कंट्रोल में लाने के लिए हम स्टेप्स, करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, करेक्ट स्टेप्स उठा सकते हैं, सही कदम उठा सकते हैं. हैंस प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, एंड इसीलिए प्लानिंग है ना वो कंट्रोल के लिए भी बेसिस प्रोवाइड करता है, मतलब बेस प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग वर्क डिसिप्लिन. नेक्स्ट एट वन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज. सारे के सारे एक्टिविटीज को मतलब कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है प्लानिंग. तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स, मतलब प्लानिंग हेल्प्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक दूसरी एक्टिविटीज नहीं आए, उनमें डिस्टर्बेंस नहीं हो. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, सारे के सारे जो बिजनेस के एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक धागे में बंधे होते हैं. विच इज कंसिडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो कि हम लोग प्लानिंग के टाइम पे उन्हें कंसिडर करते हैं, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे वो भी हम ध्यान में रखते हुए प्लानिंग होती है. सो साउंड प्लानिंग, तो अच्छी प्लानिंग इंटर रिलेट करती है ऑल द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इनको ध्यान में रखते हुए ही, सारे के सारे एक्टिविटीज को एंड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग की जाती है. दस वेरियस डिपार्टमेंट, इसी वजह से क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है एज पर द ओवरऑल प्लान के हिसाब से एंड कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो ओवरऑल परफॉर्मेंस अचीव हो जाती है. सो दस वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर द ओवरऑल प्लान, जो प्लानिंग की जाती है, प्रीडिटरमाइंड गोल्स है जो अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसके हिसाब से एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में वो काम करते हैं. नाउ नाइन्थ वन, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उन्हें भी हेल्प करता है प्लानिंग. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग, सबका क्या काम है सारे के सारे फंक्शंस का, कि उन्हें गोल अचीव करना है, प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करना है. एंड वो गोल कौन सेट करेगा, तो दैट गोल इज सेट बाय द प्लानिंग. इट इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज. प्लानिंग स्टेज के टाइम पे ही, मतलब प्लानिंग की सीढ़ी पर ही ये तैयार होता है प्री डिटरमाइंड गोल. सो अनलेस द प्लानिंग इज रेडी, जब तक प्लानिंग रेडी नहीं है तो अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज, दूसरे जो मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, वो भी नहीं हम काम में ले सकते, कैन नॉट बी अंडरटेकन. दस प्लानिंग फैसिलिटेट्स, इसके लिए प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. तो ये सपोर्ट सिस्टम हो गया, प्लानिंग इज अ सपोर्ट सिस्टम, बिगनिंग है, फाउंडेशन है. नाउ टेंथ वन, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है प्लानिंग. तो प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन है, जैसे हमने स्टडी किया है कि ये बेसिक फंक्शन है, द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये क्या है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग यूज होती है यहाँ पर, लॉजिकल थिंकिंग यूज होती है. तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, यहाँ पे नए नए इनोवेटिव आइडियाज सामने आते हैं आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सोच विचार के बाद में, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बाद में. सो अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव आइडियाज, तो अल्टीमेटली ये जो इनोवेटिव प्लान्स है ये क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, उसे अटेंड करने में, उसे उस तक पहुंचने में, टू रीच अप टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स टू रीच अप टू द गोल, अटेंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, ये सबसे चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी है फॉर लाइफ मैनेजमेंट, चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए. एंड एज इट गाइड्स, क्योंकि ये गाइड करता है ऑल फ्यूचर एक्शन, सारे जो फ्यूचर में होने वाले कामकाज है उनको लीड करता है, गाइड करता है. एंड उसकी वजह से फिर क्या होता है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है ना हम गेन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू द ग्रोथ, उसका वो प्रॉस्पर होती है, उस ग्रो होती है ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग में के अंडर में ही है ना आइडियाज नए नए प्रमोट होते हैं. तो इस पर लास्ट में आपको लिखना है, छोटे से इसके साथ कंक्लूड कर देना है अपने आंसर को, कि इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेस वाइटल रोल इन एवरी, क्योंकि ये आपका ऐसे टाइप का आंसर होगा तो इसमें आपको जरूर से है ना छोटा सा
यहाँ पर आपको जरूर कंक्लूड करना है, स्टार्टिंग के आपको इंट्रोडक्शन के साथ, एंड आपको आपका आंसर कंक्लूड करना है. आपका अच्छा हाई मार्क्स स्कोर करने का इरादा है तो आपको कंक्लूड करना है अपने आंसर को कि इन शॉर्ट प्लानिंग प्लेस वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर एज ऑफ एन इंडिविजुअल, इवन इंडिविजुअल पर्सन में भी. तो हैंस इज द बेसिक, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल ग्रोथ एंड सक्सेस. सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एंड सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही जरूरी है. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है. आई होप आपको समझ में आ गया है. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.